यूपी में निकाय चुनावों के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। देखा जाए तो पहले चरण के मतदान के लिए सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर किस पार्टी का पलड़ा भारी है। ऐसे में निकाय चुनाव के लिए हुए सर्वे पर नजर डालना जरूरी है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। अब सवाल है कि क्या इस चुनाव में भी योगी के नाम पर वोट पड़ेगा या स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। तो सी वोटर के सर्वे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 54% लोगों के पसंद हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को 26% लोग पसंद करते हैं। बसपा प्रमुख मायावती की बात करें तो सिर्फ 7% लोग पसंद करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सिर्फ 6% लोग ही पसंद करते हैं। वहीं अन्य दलों की बात करें तो 7% लोग पसंद करते हैं। सी वोटर के मुताबिक माफिया अतीक अहमद की हत्या और उसके बेटे असद अहमद के एनकाउंटर के बाद से बीजेपी को 47% फायदा होगा, जबकि 27% नुकसान होगा। वहीं 15% का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं 11% लोग इससे जवाब देने से बचे। बता दें कि प्रदेश में 4 मई और 11 मई को 2 चरणों में मतदान होना है। इसके बाद 13 मई को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। सपा और आरएलडी का गठबंधन है। बीजेपी इस बार मुसलमानों को भी टिकट देने में पीछे नहीं है। वहीं बहुजन समाज पार्टी दलित मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश में है। पार्टी हर हाल में इस बार अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। वहीं सपा भी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।